तरह से आप इसे छील लीजिए। छीलने के बाद भी जो बच रहा है, यदि आपने यूज खा लिया है तो खाने के बाद कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनिश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। और आज का वीडियो होने वाला है इसके बारे में, भुट्टा जिसे हम कॉर्न बोलते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। मेरे साथ होने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी, जो फायदे बताएंगे कॉर्न के, आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसी के बाद टोटल वीडियो होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, करके जरूर बताइएगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, रेनी सीजन में आप सभी का स्वागत। और इस कड़ी में चूंकि मानसून दस्तक देने के साथ साथ रिमझिम फुहारों के बीच जब हम पौधों को निहारते हैं तो एक खुशी मिलती है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। खास करके बहुत सारे ऐसे समस्या आती है कि फंगस, बैक्टीरिया, फफूंद ये एक्टिव हो जाते हैं गर्मियों के बाद। जैसे ही वो मिट्टी के संपर्क में या नेचर में मॉइस्चर होता है तो ये उससे एक नई तरह से डेवलप होते हैं और इतनी ज़्यादा संख्या में तेज़ी से बढ़ते हैं कि वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूँकि वो भी परमात्मा का एक अवयव है, एक एलिमेंट है हमारे नेचर का, वो कहीं हमें फ़ायदा भी देता है और कहीं ज़्यादा नुकसान भी देता है। तो नुकसान को हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के तहत उसको एक कंट्रोल कर सकते हैं। और आज हमारे साथ है भुट्टा, रिमझिम फुहारों के बीच आप एंजॉय कीजिए, भुट्टा खाइए। इसके बीज बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आपको देते हैं, साथ में आपको एक ताकतवर बनाते हैं। और जब कभी आप भुट्टा खाने के बाद आपके पास ये बच जाए तो ये बहुत काम का है। अच्छा, हाँ, इसे आप फेंके नहीं, ये आप अपने घर में ये मटके, चूँकि रेनी सीजन अब आ चुका है तो पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए बहुत जगह तालाब में पानी अवेलेबल है। तो जो हमने गर्मी में रेनी सीजन के पहले रखा था मटकों को, अब इस मटके का हम यूज़ करेंगे अपने इंसेक्ट को अपने पौधों से बचाने के लिए। अच्छा। इस भुट्टे को आपने ऐसे तोड़ना है और ये इसमें डाल देना है। ठीक है। इस तरह से आप इसे छील लीजिए। छीलने के बाद भी जो बच रहा है, यदि आपने यूज़ खा लिया है तो खाने के बाद कर लीजिए। यदि आपने पुराने कोई आपको लग रहा है कि इस तरह का पुराना भी है, सूखा भी है, तो आप उनको भी ऐसे टुकड़े टुकड़े में डाल दीजिए। ठीक है। ये आप हर कोने में, जो आपके टेरेस फार्मिंग की जब मैं बात करता हूँ तो ये आधा आपको भरना है, आधा भर के जितने भी आपके कॉर्नर हैं अपने टेरेस के, चारों कोने में एक एक आप उसको यूज़ कर लीजिए। ऐसे यूँ ऐसे डाल दीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए, एक एक दो दो जैसे भी। हाँ, देखिए जनरली क्या होता है कि जो फफूंद है वो हमारे आसपास ही है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो जब वो आपके पौधे तक पहुंच जाए, उससे पहले हमने उसके लिए एक माहौल बना दिया कि उसको डिकम्पोज करने के लिए एक चीज़ अवेलेबल है, तो फफूंद डायरेक्ट इस पर आ जाएगा। तो जब इस पर आ जाएगा, इसे खाने शुरू कर देगा, तो आपके उन पौधों से उनका बचाव हो जाएगा जहाँ पर आपके पौधे सुरक्षित हो जाएंगे। हाँ, डाइवर्जन कर रहे हैं हम किसी भी अवयव को, बिल्कुल उसको मार नहीं सकते हैं, उसको एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का अवयव है और शायद उन्होंने बनाया है परमात्मा ने, तो कोई खास रीजन से उनको भी बनाया है। ठीक है। तो कभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में मात्रा में यदि वो आ जाएँ तो नुकसान भी देते हैं। तो हमें उसको कंट्रोल करना है। हमने उनके लिए एक माहौल बनाया, उसमें ये डाला, उनको खाने के लिए देखिए फफूंद लगना शुरू हो जाएगा जैसे, तो ये यहाँ पर वो यहीं पर स्थिर हो जाएंगे, ना कि वो दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा। तो चूँकि चारों कॉर्नर में है, कॉर्नर में उनको एक इजी जगह मिलता है उनके ज़्यादा डेवलप होने का, तो वहाँ से वो इसमें कंट्रोल हो जाएगा। कोई डिमेरिट तो नहीं है ना इसका, अगर मैं बात करूँ कि इससे कोई और फंगस में लग जाए और प्लांट्स में लग जाए? नहीं, देखिए आपको यदि कंट्रोल करना है तो उसके इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपका जैसे 15-20 दिन के बाद आपने कर दिया, 15-20 दिन के बाद इसमें आप या तो नीम ऑयल डाल दीजिए, या तो घर में कोई आपका पेट्रोल है तो एक दो बूंद पेट्रोल डाल दीजिए, तो उस वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। लेकिन आपके किसी भी एक में वो रहता है तो वो बहुत नुकसान नहीं करेगा। या फिर इसको हम निकाल के हटा के फ्रेश भी डाल सकते हैं? हाँ, फिर आप जब 1-1.5 महीना हो जाए तो आप इसको फ्रेश चेंज करते रहिए, क्योंकि दिल्ली जैसे जगह में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का लार्वा भी बनता है। बिल्कुल। तो नीम ऑयल आप डाल दीजिए इसमें। ठीक है ना, तो वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और ये सिस्टम से काम करने लगेगा। यदि और ज्यादा जानकारी चाहिए तो जरूरी क्या होता है कि आप वर्कशॉप में आइए। बहुत सारी तकनीकी जानकारी हम बहुत शॉर्ट वीडियो में नहीं बता पाते हैं। तो जैसे जैसे आप जुड़ेंगे, वर्कशॉप में आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो ये भुट्टा बहुत काम का है, आप खाइए और भुट्टे का यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए।
रिमझिम फुहारों के बीच जब आप भुट्टा इंजॉय करते हैं तो खुद तो अच्छा लगता ही है, पड़ोसी जब आपको देखते हैं आपके टेरेस गार्डन पे कि आप भुट्टा इंजॉय कर रहे हैं तो शायद उनको भी मन हो जाए अच्छा सा गार्डन बनाने का। प्रवीण जी थैंक यू सो मच बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद।